मैं खुद लेकर आया हूँ और मैंने अपने हाथों से इसमें रिवाइंडिंग की है। फेक वीडियो नहीं है, मैं रियल वीडियो ही बनाता हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है शैलेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मेंस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में गाइस, हम बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट की मोटर में रिवाइंडिंग करने के लिए कितने नंबर का कॉपर वायर लें या कितने का खरीदें, कितने का मिलेगा। तो ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। फुल डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोनों 12 वोल्ट की मोटर है, 555 775। इधर हमारा कॉपर वायर रखा है 25 नंबर का और इधर कॉपर वायर रखा है 22 नंबर का। ये वायर मैंने 100 ग्राम लिया था और ये वाला वायर भी मैंने 100 ग्राम लिया है। जितना भी कॉपर वायर खरीदता हूँ तो 100-100 ग्राम का ही लेता हूँ, कोई भी नंबर का तो 100 ग्राम का ही लेता हूँ, क्योंकि 100 ग्राम में फ़ायदा होता है ये। 70-80 रुपये में अगर आपको वायर मिलता है 100 ग्राम, तो उसमें आप 2 से 3 मोटर रिवाइंड कर सकते हैं। ऐसे मीटर के हिसाब से हम नहीं लाते, क्योंकि मीटर के हिसाब से अगर आप खरीदेंगे या मोटर में जो रिवाइंडिंग आप करेंगे वो कम पड़ जाएगी, रिवाइंडिंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मीटर के हिसाब से रिवाइंडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी, ना ही वायर मीटर के हिसाब से खरीदना है। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस नंबर का फ़र्क है। 22 नंबर इससे ज़रा सा मोटा है केवल। तो ये 25 नंबर का हमने इस मोटर में लगा रखा है और 22 नंबर का वायर इस मोटर में लगा रखा है। दोनों मोटर की रिवाइंडिंग वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको वायर मोटर वाइंडिंग की शॉप पे मिलेगा, जहाँ वहाँ पे आप कहिएगा कि मुझे 100 ग्राम का कॉपर वायर चाहिए 22 नंबर का या 25 नंबर का, तो वो आपको 100 ग्राम निकाल के दे देंगे। आप जितने का भी होगा आप ले लीजिएगा, उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। मैं खुद लेकर आया हूँ और मैंने अपने हाथों से इसमें रिवाइंडिंग की है। फेक वीडियो नहीं है, मैं रियल वीडियो ही बनाता हूँ। जब तक मैं खुद नहीं आजमा के देख लेता, मैं किसी को नहीं बताता हूँ। ठीक है, 100% सक्सेस है। तो चलिए गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए क्रिएटिव मैंस।